तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बिटलैंड फाइनेंस के लॉन्च के बाद BTT के प्राइस में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और वैसा ही हुआ। इस मार्केट क्रैश में जहां पर बड़े से बड़े कॉइन्स बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू, बेबी डॉज कॉइन, डॉज कॉइन, हर एक कॉइन नीचे आ चुका है। ऑलमोस्ट 90-92% से सारे कॉइन्स नीचे आ चुके हैं। वहीं पर बिटटोरेंट कॉइन इस समय ऑलमोस्ट 2-3% की ग्रोथ मार्केट में दिखा रहा है, वो भी इस वजह से क्योंकि बिटलैंड फाइनेंस लॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पर मार्केट क्रैश से पहले बिटटोरेंट कॉइन 0.00006 के रेट पर चल रहा था, वहीं पर ये कॉइन अब बिटलैंड फाइनेंस के लॉन्च के बाद 0.00005 के रेट पर आ चुका है। इस क्रिप्टो क्रैश में जहाँ पर सभी कॉइन्स नीचे आ चुके हैं, वहीं पर केवल एक कॉइन का अपने प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट के कारण इतनी ज्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि बिटलैंड फाइनेंस का बिटटोरेंट के प्राइस पर और कितना ज्यादा असर पड़ सकता है, क्या आने वाले समय में ये कॉइन हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटटोरेंट कॉइन के बारे में। अब यहाँ पर बिटटोरेंट कॉइन के बारे में बताने के लिए काफी सारी चीजें होती है, लेकिन हम सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों को ही बता पाते हैं, क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा कमी होती है। अब सबसे पहले अगर हम कॉइन मार्केट कैप में इस कॉइन की सिचुएशन की बात करें, तो इस समय ये कॉइन अपने प्राइस में 4-0 लगाता हुआ 5 की सीरीज पर चल रहा है। इस समय इस कॉइन ने ऑलमोस्ट 1.42% की ग्रोथ मार्केट में दिखा दी है। अब जहां तक बात की जाए रैंकिंग की, तो रैंकिंग के मामले में ये काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, 59th रैंक पर आ चुका है। और अगर वॉचलिस्ट की बात की जाए, तो कॉइन मार्केट कैप में इस समय ये 1,00,000 से ज्यादा की वॉचलिस्ट को पार कर चुका है। अब रिसेंटली बिटटोरेंट फाइल सिस्टम यानी कि BTFS लॉन्च हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा बिटटोरेंट की टीम का। इस बात का सबूत इसी चीज से मिलता है कि केवल 1.5 महीने के अंदर अंदर BTFS ने ऑलमोस्ट 86 मिलियन की टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉक कर लिया है। दूसरी तरफ बिटटोरेंट ने अपने यूजर्स को और ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया है। ऑलमोस्ट 370 मिलियन से इसकी स्पीड इंक्रीज हो चुकी है। इस स्पीड इंक्रीज के कारण बिटटोरेंट नेटवर्क के यूजर्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि हम सभी ने बचपन में भी और अभी भी कई बार बिटटोरेंट से मूवीज और वेब सीरीज को डाउनलोड किया है। और जब हम टोरेंट ब्राउजर से वेब सीरीज या फिर मूवीज को डाउनलोड करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छी डाउनलोड स्पीड, जो इस स्पीड के इंक्रीज के बाद टोरेंट ब्राउजर में भी देखने को मिलेगी। अब सीधे आ जाते हैं हमारे आज के मेन मुद्दे पर। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि 17 नवंबर को बिटटोरेंट कॉइन एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को देखा, जो कि सही हुआ। आज 18 नवंबर है और बिटटोरेंट कॉइन इस समय काफी ज्यादा ग्रीन हो चुका है। बिटलैंड फाइनेंस के लॉन्च के बाद ऑलमोस्ट 2-3% से ये कॉइन अपने प्राइस में इंक्रीज दिखा चुका है। मार्केट क्रैश के बाद बिटटोरेंट कॉइन ऑलमोस्ट 17-20% से नीचे आ गया, लेकिन अब ये कॉइन बिटलैंड फाइनेंस के लॉन्च के बाद एक अच्छी खासी ग्रोथ मार्केट में दिखा रहा है। और इसी तरह से अगर ये कॉइन आगे बढ़ता रहेगा, ऊपर इंक्रीज होता रहेगा, तो जल्द ही ये कॉइन अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में इस कॉइन के कारण हमारा पैसा पूरी तरह से अटक चुका है और आप यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी कॉइन ने मार्केट क्रैश के बाद किसी भी तरह का डेवलपमेंट अपने यूज केस में नहीं दिखाया है। वहीं पर बिटटोरेंट कॉइन एक ऐसा कॉइन है जिसने काफी सारी अपडेट्स अपने यूज केस में अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर की है। यहाँ पर ये कॉइन हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सभी कॉइन्स ने मार्केट क्रैश के बाद काम करना ही बंद कर दिया है, किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट हमें उन प्रोजेक्ट्स में नहीं दिख रहा है, वहीं पर एक बिटटोरेंट कॉइन ऐसा है जो तरह तरह के डेवलपमेंट्स अपने यूज केस में लाता जा रहा है। बिटलैंड फाइनेंस लॉन्च हो गया, BTFS में काफी सारी डेवलपमेंट्स बिटटोरेंट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। 370 मिलियन वॉलेट अकाउंट्स अब तक बिटटोरेंट की स्पीड एक्सीड कर चुकी है। बिटलैंड फाइनेंस को आप बिटटोरेंट का एक खुद का स्वैप भी समझ सकते हैं। जैसे BBDOS स्वैप का एक खुद का स्वैप है, वैसे ही बिटटोरेंट का भी एक खुद का स्वैप है, जिसे आप बिटलैंड फाइनेंस के नाम से जान सकते हैं। अब ये जो स्वैप बिटटोरेंट कॉइन ने लॉन्च किया है, ये कोई मामूली सा स्वैप नहीं है। BBDOS स्वैप के मार्केट में लॉन्च होने के बाद ऑलमोस्ट 17-20% की ग्रोथ मार्केट में BBDOS कॉइन ने दिखाई थी। तब बेशक मार्केट क्रैश नहीं हुआ था, लेकिन अब जब मार्केट थोड़ा बहुत डंप हो चुका है, तब बिटटोरेंट कॉइन का ऑलमोस्ट 3-4% की भी बढ़त दिखाना एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसके बाद भी बिटटोरेंट कॉइन रुकने का नाम नहीं ले
रहा है। मार्केट में इतनी ज्यादा ग्रोथ दिखाने के बावजूद बिटटोरेंट कॉइन इस समय और ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कॉइन बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 10-15% की भी ग्रोथ मार्केट में दिखा लेता है तो इसके इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज होगी, क्योंकि जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए अपना पैसा फंसा लेना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। वो लोग इस तरह की डेवलपमेंट्स का बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी कॉइन में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक लॉस झेल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उस कॉइन को होल्ड करना या फिर उस कॉइन में अपना पैसा अटका देना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो उन तरह के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इस समय बिटलैंड फाइनेंस के लॉन्च के बाद बिटटोरेंट धीरे धीरे ऊपर जाता दिख रहा है। अब मार्केट क्रैश के पहले ये कॉइन जहां से नीचे गिरा था वहीं पर अगर ये वापस पहुंच जाता है तो भी बिटटोरेंट कॉइन के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी डील होगी। तो इस समय मार्केट की सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आपने बिटटोरेंट कॉइन में इन्वेस्ट करके रखा है या फिर इस कॉइन को होल्ड करके रखा है तो मेरी तो राय यही होगी कि आपको इस कॉइन को और ज्यादा लंबे समय के लिए होल्ड करके रखने की जरूरत है। जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक किसी भी तरह का बुल रन नहीं आ जाता, तब तक आप सभी इस कॉइन में अपना भरोसा बनाए रखिए और बिटटोरेंट कॉइन को होल्ड करके रखिए, क्योंकि इस कॉइन में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। देर सवेरी सही, लेकिन ये कॉइन आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले समय में जरूर ही देगा। तो होप आपको मेरे इस वीडियो ने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे।